हाल ही में अमेरिकी मिशनरी जान एलिन शाओ की मौत के बाद अंडमान निकोबार के सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले सेंटिनली जनजाति के लोग चर्चा में हैं। 17 नवंबर को इस द्वीप पर जनजातियों के बीच पहुंचे 27 साल के शाओ की जनजाति समूहों ने हत्या कर दी थी। अंडमान निकोबार के नॉर्थ सेंटिनेल द्वीप में रहने वाले ये सेंटिनली जनजाति एशिया के सबसे आखिरी अनछुए आदिवासी माने जाते हैं, जो इस द्वीप पर पिछले करीब 60,000 सालों से रह रहे हैं। यहाँ इनके बीच जाना लोगों के लिए मना है, लेकिन 80 वर्षीय भारतीय मानव विज्ञानी TN पंडित ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सेंटिनेली जनजाति के लोगों से मिल चुके हैं। BBC से उन्होंने इस मुलाकात की याद को साझा किया है, जिसे BBC ने प्रकाशित किया है। 1973 में अपनी पहली यात्रा को याद करते हुए TN पंडित का कहना है, हम बर्तन, मटके, नारियल, हथौड़े और चाकू जैसे लोहे के औजार गिफ्ट के रूप में अपने साथ लेकर गए थे। हम अपने साथ ओंग जनजाति, जो कि अन्य स्थानीय जनजाति से ताल्लुक रखते थे, के 3 पुरुष भी लेकर गए थे, ताकि सेंटिनेल के व्यवहार और उनकी बातों को समझने में हमें मदद मिले। लेकिन सेंटिनेलीज गुस्से में अपने गंभीर चेहरों के साथ और लंबे धनुष और तीर के साथ सशस्त्र होकर हमारे सामने आए। वो अपनी जमीन को बचाने के लिए घुसपैठियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हमसे मिलने का ये उनका अपना फैसला था और मीटिंग उनकी शर्तों पर हुई। हम नाव से बाहर निकले और गर्दन तक के पानी में खड़े होकर उन्हें नारियल और अन्य उपहार दिए, लेकिन हमें उनके आइलैंड में कदम रखने की अनुमति नहीं थी। पंडित का कहना है कि हालांकि उनके बीच जाना, उनसे संवाद करना इतना आसान भी नहीं था। TN पंडित बताते हैं, मैं उन्हें नारियल देकर अपनी टीम के साथ दूर हो रहा था और किनारे के पास जा रहा था, तभी एक सेंटिनेल लड़के ने अजीब सा चेहरा बनाया। उसने अपना चाकू लिया और मेरी ओर इशारा किया कि वो मेरा सिर काट देगा। मैंने तुरंत नाव को बुलाया और वापसी कर ली। 60,000 साल पुराने इस समुदाय को धनुष और तीर से मछली मारने के लिए जाना जाता है। जंगली सुअर, जमीन में उगने वाले फल, सब्जियां और शहद उन्हें जीवित रखने में मदद करते हैं। ये एशिया महाद्वीप के उन गिने चुने जनजाति में शामिल हैं जो दुनिया से कटे हुए हैं। इस द्वीप के लोगों से किसी भी तरह का संपर्क बनाना अवैध है। इस द्वीप के लोगों पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। दरअसल अंडमान द्वीप 4 अफ्रीकन जनजातियों का घर है, जिनमें अंडमानी, ओंग, जारवा और सेंटिनेलीज शामिल हैं, जबकि निकोबार द्वीप 2 मंगोलियन जनजातियों का घर है, जिनको शोम्पेन और निकोबारिस कहते हैं। इन्हें करीब से देखने वाले TN पंडित का कहना है कि हमें उनके साथ सीमित संचार करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उनके अकेले रहने की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित हस्ती।